ABPS न्यूज। किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांव वासियों को मुख्य धारा में लाना असंभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँव में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गाँव वासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गाँव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित गांव परसुपुरा पड़ा। यह गांव जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्तमान में गांव के प्रधान अमित कुमार हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, स्कूल की बाउंड्री, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा कुछ और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 20 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की मांग राज्य में केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गांव में विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। और ये पुरानी बिल्डिंग है, ये तो जर्जर बिल्डिंग है ही है। इनकी शिक्षा नीति से जब भी ये आदेश में लगा है तोड़ने का, इसे तोड़ के इसे ग्राउंड बना के हैं ऑफिस बन यानी ये जर्जर बिल्डिंग है, इससे खतरा है। ये नए जो कमरा है ये ठीक है, बाकी हमारा इसको तारिश बिछने के बाद में फर्श होने के बाद में सही हो जाएगा। बाउंड्री वाल मैंने कराई दी है, अंदर ठीक ठाक है, बाकी बढ़िया तरीका है। पढ़ाई साहब के द्वारा बढ़िया हो रही है, स्कूल हमारे स्कूल जैसी पढ़ाई हो सके, 10-20 में एक आधी गांव ऐसा हो जितनी बड़ी बढ़िया पढ़ाई जैसे स्कूल में हो रही है, इसमें